So circle chapter So, एक तो एक थ्योरम आपका हो गया दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सेपरेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर दिस थ्योरम रेस्ट ऑफ द थ्योरम्स दे आर जस्ट देयर एप्लीकेशन इज देयर हम उस पे उनके बेस क्वेश्चंस करेंगे बाकी के जितने भी थ्योरम्स अपने पास बचते हैं एंड सेकेंडली जो सर्कल चैप्टर में से एक्स्ट्रा जो आप करोगे दैट आर जस्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंड द एंगल एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कर सकते हो जैसे कि आपके 10.5 एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप एंगल्स फाइंड करना सीखते हो सो डिफरेंट क्वेश्चंस टू फाइंड एंगल्स रिलेटेड टू सर्कल दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर ठीक है दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर तो डू मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर दैट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर द ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन दैट मीन्स ट्रू प्रूफ वाले क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम द बुक ओनली ठीक है सो दिस मच यू हैव टू डू एक्स्ट्रा फॉर फ्रॉम द हाँ एवरीथिंग ठीक है अब वी विल स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम द लास्ट एक्सरसाइज 10.5 मैं सबसे पहले 10.5 एक्सरसाइज से रिवीजन करवाना चाहूंगी आपको कोई थ्योरम नहीं सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखने जो अपनी 10.5 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन ऑल द थ्योरम्स वी डिड फॉर दिस चैप्टर Right, like degree Mayer theorem. Angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the same arc at a point on the remaining part of the circle. तो period चल रहा है क्या आप कहाँ जा रहे हो? क्यों क्या है? वो activity है कुछ का गुजरात science city वाली. तो आप throughout the day आप वहीं पे हो? इधर जल्दी जाके जल्दी वापिस आओ आगे बहुत बुरे हाल है आप लोगों यस लिसन डिग्री में ये थ्योरम हमने किया चैप्टर इज This exercise is going to be based on this theorem that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by same arc at a point on the remaining part of the circle. But remember one thing that degree Mayer theorem proof is not there, but statement can be there. State degree Mayer theorem. Statement आपको आ सकती है paper में. ठीक है तो statements आपने proof नहीं statement आ सकती है. So आपने statement अच्छे से जो है उसको revise करना है. Next thing I would like to tell you. कि जो हमने इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज किए थे थ्योरम दैट वर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम दैट इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है यस क्लास सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है इसके क्वेश्चंस एंड वन वेरी मोर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय अ कोर्ड आर इक्वल एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल जितने भी हमने थ्योरम्स ये सारे किए थे दे आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्योरम इन एक्सरसाइज 10.5 एक्सरसाइज लेट अस स्टार्ट इसके बुक में से क्वेश्चन हम करेंगे रिवाइज फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग देयर इज अ सर्कल बस अब बातें मन देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंगल बीओसी इज गिवन टू बी 30 डिग्री एंड एंगल एओबी इज गिवन टू बी 60 डिग्री बीओसी इज गिवन टू बी 30 डिग्री And angle AOB, this is given to be 60 degree, right? If D is a point on the circle, then find angle ADC. This ADC is to be find out. And direct iske mein degree Mayer theorem ki application hai using the arc AC. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये arc circle का कौन सा arc है, minor, major, कौन सा minor arc?
तो माइनर आर्क के दो एंगल्स हमने ढूंढने होते हैं, वन एट द सेंटर, अनदर एट द सर्कमफेरेंस, रिमेनिंग पार्ट. हां जी हर्षप्रीत, कैन यू टेल मी द एंगल मेड बाय दिस आर्क एसी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल एओसी. शाबाश. किसका डबल होएगा? एंगल सप्रेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सप्रेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट. रिमेनिंग पार्ट पे एसी आर्क कौन सा एंगल बना रहा है? सर्कल का इतना पार्ट तो इस आर्क ने ऑक्यूपाई कर लिया, रिमेनिंग पार्ट पे ये कौन सा एंगल बना रहा है ये आर्क? एडीसी. दिस इज टू टाइम्स एडीसी. ठीक है, बैठ जाओ. नाउ दिस एओसी इज 90, टू टाइम्स एडीसी, सो एडीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 45. बैठ जाओ. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also a point on the major arc. तो हमारे पास condition क्या है? कि हमारे पास एक circle है. हम इसका center O ले लेते हैं. Chord जो है circle की, let us take the chord like this. AB is the chord of the circle. It is given. This is equal to the radius of the circle. Chord of a circle is equal to the radius of the circle. That is one. One condition is given to us that OA is equal to OB is equal to AB. This implies AOB is equilateral triangle. 60 degree. Please, जब पूछूंगी तब बताना. So AOB हमारे पास equilateral triangle हो गया. Being all the sides to be equal, taking radius and the chord of the circle. Now find the angle subtended by chord at a point on the minor arc. ये minor arc है, यहाँ पे इस chord ने कौन सा angle बनाया वो find करना है. And the other angle we want to find this chord is making in the major arc. Major arc पे Q point ले लो, that is AQB. Right? So firstly, I am considering this arc of the circle and this center angle, and we will apply the degree Meyer theorem. Right, so very obvious that in this triangle AOB, all the sides at they are equal, so each angle will be 60 degrees. This is 60 degree, right? Now we can apply the degree Meyer theorem. This arc AB making at the center angle AOB, and twice at the circumference remaining part AQB. Okay, is it okay? So AOB is 60. Divided by 2, this AQB comes out to be 30 degree. Now, without using degree Meyer, we can find this angle APB by using the concept that in cyclic quadrilateral opposite angle sum is 180 degree. So this seems to be cyclic quadrilateral. What is cyclic quadrilateral? Whose all the vertices touches the circle. So APBQ is a cyclic quadrilateral. This is 30 degree. Using the concept that in the cyclic quadrilateral, sum of the opposite angles, this is equal to 180. So AQB आपके पास 30 आया है, accordingly APB will come out to be 150. ये वाला, which it is making on the minor. हाँ, cyclic APBQ is a cyclic quadrilateral. उसने बोला है find an angle subtended by the chord at a point on the minor arc and at a point on the major arc. Major arc पे ये वाला point ले लिया, minor arc पे ये वाला point ले लिया. Reflex कर लेते हैं. हाँ, मैंने reflex से नहीं करा, मैंने cyclic से करना है. चलिए, question number third. In the given figure, angle PQR is equal to 100 degree. We are given a circle, center, and angle PQR, this is given to be 100 degree. This is chord PR, and these are the two radii. We want to find this angle OPR. This OPR angle is to be found out. Now, you know,
अगर हम इस ओपीआर एंगल की बात करें, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ओपीआर, ये ट्राइंगल ओपीआर भी है, ओपीआर एंगल इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ओपीआर। कल ऐसी जा रहे हो माने भी, कितनी बार देख लिया मैंने, कितनी बार, सो मेनी टाइम्स। ओपीआर इज टू बी फाइंड आउट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ओपीआर, राइट। सो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ओपीआर ट्राइंगल की, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए बाकी के एंगल्स हमें चाहिए होंगे। इफ वी नो दिस एंगल एंड वी नो दिस एंगल, देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड एंगल ओपीआर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कम टू नो अबाउट दिस एंगल, दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज वेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आंख है, दिस इज विच आंख, मेजर आंख, मेजर आंख के केस में सेंटर का एंगल नो डाउट ये है पी आर जो बना रहा है मेजर आर्क पी आर, बट वी टेक दिस थ्योरम इन केस ऑफ मेजर आर्क नॉट टू बी द सेंटर एंगल बट द रिफ्लेक्स ऑफ द सेंटर एंगल, ठीक है। सो आई विल राइट रिफ्लेक्स पी ओ आर, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये वाला आर्क रिमेनिंग पार्ट ये है और रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बना रहा है पी क्यू आर, टू टाइम्स एंगल पी क्यू आर। So reflects POR 2 into 100, that is equal to 200. ये वाला, हाँ जी समझा देते हैं। जब हम मेजर आर्क के केस में डिग्री मेजर थ्योरम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मेजर आर्क, देन वी नो दैट वी राइट दिस, ये जो एंगल जो सेंटर का होता है वो आर्क की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। कि अगर मैं इस आर्क का सेंटर पे एंगल बोलूं तो वो आर्क की तरफ ये एंगल शो कर रहा है, तो ये एंगल बनाएगा ये सेंटर पे, एंड दिस इज नॉट पी ओ आर, व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्लेक्स पी ओ आर। सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ मेजर आर्क वी रिमेंबर द थ्योरम लाइक रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द सेंटर, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज पी क्यू आर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स पी ओ आर टू टाइम्स पी क्यू आर इज 100, दिस इज 200, रिफ्लेक्स पी ओ आर आपके पास आ गया 200। आपको चाहिए एंगल ओपीआर, इसके लिए इस ट्रायंगल में एंट्री होना बहुत जरूरी है, एंड दिस एंगल विल हेल्प यू टू एंटर इन दिस ट्रायंगल बाय यूजिंग कंप्लीट एंगल। सो पीओआर इज इक्वल टू 360 माइनस 200, दैट इज इक्वल टू 160। सो आपके पास एंगल पीओआर जो है वो 160 आ गया। Yes, हाँ जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये है ही नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके, क्यों इतनी कंस्ट्रक्शन के चक्कर में पड़ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन करो क्या, क्यों इतनी कंस्ट्रक्शन। हाँ, नाउ वी एंटर्ड इन द ट्राइंगल पीओआर, इन ट्राइंगल पीओआर हमें चाहिए ये ओपीआर एंगल, तो इसको हम एंगल वन बोल देते हैं, इसको एंगल टू बोल देते हैं। एनी हाउ बस लक्ष्य पिक्चर तो बाकी में बाकी पेपर आने वाले हैं। यस लिसन एंड बस नो कमेंट, नो कमेंट। नाउ वी विल नाउ कंसीडर ट्राइंगल पी ओ आर एंड इन दिस ट्राइंगल पी ओ आर वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल पीओआर में हमारे पास तीन एंगल्स हैं, वन इज ओपीआर, अनदर इज ओआरपी एंड थर्ड वन इज पीओआर। तीन एंगल्स हैं, इनमें से ये वाले एंगल की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी और इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया ओपीआर की वैल्यू। You know that being a radii of the circle, this POR, this is an isosceles triangle. And in case of isosceles triangle, two sides equal, then base angles are also equal. That means we can replace this ORP by OPR. पहले तो आप लोग चुप कर जाओ, जिसको ज्यादा बोलना है he or she can leave the class. Until or unless I am not asking, you are not supposed to interrupt in between.
this angle we want to find OPR and ORP is also there. So I am telling you that we can replace this ORP by OPR being the base angles to be the same. Arpita, कभी भी holidays homework नहीं आया अभी तक. तो isosceles triangle, OPR being isosceles triangle, we can replace it by the another angle. This is one. OPR, OPR, this is two OPR, please. Plus. So two times OPR. OPR is 10 degree. Question number fourth. Please keep quiet. कौन सा स्टेप नहीं समझ रहा? ये वाला? ये वाला? क्वाइट बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला एंगल चाहिए था POR. हमने मेजर आर्क को यूज करके रिफ्लेक्स POR इज इक्वल टू टू टाइम्स PQR डिग्री मेयर थ्योरम लगाया. दिस इज बाय डिग्री मेयर थ्योरम. वैल्यू पुट कर दी PQR की 100, तो रिफ्लेक्स POR 200 आ गया. हमें चाहिए था POR. POR कैसे? किसी एंगल का रिफ्लेक्स पता हो तो एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिफ्लेक्स फ्रॉम 360 डिग्री. POR is equal to 360 minus reflex POR 160 and according. अभी भी आवाज आ रही है. Better to keep quiet. राघव उठ जाओ यहां से, इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच. दिवाली इसको नहीं करना. Next question. Question number fourth. We are given a circle and chord BC of the circle like this. Angle ACB is given to be 31 degree and we need to find this angle BDC. Moreover, this angle is given to be 69 degree. Now you see, as far as this angle BDC is concerned, ye angle jo BDC hai, agar hum kuch bachcho ko lagta hai ki do angles diye hue hain, teesra angle angle sum property se nikal jayega. But the thing is, This angle is not the part of triangle BDC. That's why we can't adopt that method. हम ये वाला angle sum property का BDC triangle में method नहीं लगा सकते. Now, हाँ दोनों में है. यही problem है इसकी. तो इसका मतलब मैंने किसी से नहीं पूछा. Please, यार, this is not testing of you people. I'm just giving you the concept back so that you can perform in the extra questions very well. So better to keep quiet. This is 69. This is 31 and they both belong to triangle ABC. And when the two angles of the triangle, they are known to us, we can apply the angle sum property. So by angle sum property, angle BAC plus 69 plus 31, this is equal to 180 degree. So angle BAC plus 100 is 180. Please mat bolo beech mein. Please. BAC ki value humare paas 80 aa gayi. Please. This angle BAC we have find out. Now we want to find BDC, so we will consider the chord BC of the circle. Krishna, wo bag idhar rakhna, Manavit ka, idhar le.
First of all, we'll consider the chord BC of the circle. Why you people are becoming too over smart in front of me, these two girls? Huh? 1 minute. Question number 5. So, इसको हम complete कर रहे थे. We will consider the chord of the circle. BC is the chord of the circle, and we did one theorem that angle made by a chord in the same segment are equal. When we made this chord, this circle is divided into two segments. One segment is above the chord, and another segment is below the chord. And this is these two points. They are in the same segment. That means this chord will make the same angle at the point A as well as at the point D. So angle BAC equal to angle BDC. By using the concept that angles made by the chord BC in the same segment are equal. So BAC आपके पास 80 आ गया, तो आपके पास BDC का आंसर. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी ये कोड है, कोड ने सर्कल को दो सेगमेंट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, ठीक है. एंड दीज आर द टू पॉइंट्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है. एंड वी डिड वन थ्योरम दैट एंगल मेड बाय अ कोड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. इस पॉइंट ए पे ये कोड कौन सा एंगल बनाएगी? बी ए सी, स्टार्टिंग विद द कोड, गोइंग टू द पॉइंट, कम बैक टू द कोड. एंड इस पॉइंट डी पे कौन सा एंगल बनाएगी? स्टार्टिंग विद द कोड, दोनों इक्वल होंगे. इसी का आई कॉल्ड यू सो मेनी टाइम्स, सो मेनी मैसेज आई प्लॉट ऑन योर व्हाट्सएप नंबर. You are not responding at all. Your copy, notebook, and your holidays homework, I'm not getting anything. And obviously, in internal assessment, you will get 0 marks if till tomorrow you are not sending your work. Ishika, are you listening me? Ishika Khanna. And you are not responding on your phone as well. You please call me afterwards.